प्रगरु होममेड फूड में आप सभी को स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हो और अच्छे से रहिए। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई। तो चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमने जो जो मसाला लिया है वो पहले आपको दिखा देते हैं। तो ये हमने 2 तेजपत्ता लिया है और ये काश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर लिया है। ये हमने तीखे वाली रेड चिल्ली पाउडर लिया है। ये हमने छोटे टेबलस्पून का हमने 1-1 टेबलस्पून लिया है। और हमने हल्दी पाउडर हमने 1/2 टेबलस्पून लिया है। और ये धनिया पाउडर ये हमने 1 टेबलस्पून लिया है। और ये चिकन मसाला, तो आप कोई भी चिकन मसाला ले सकते हो। तो हमने ये चिकन मसाला लिया है। तो ये हम साइड कर देते हैं। और हमें लगेगा ये हमने कैप्सिकम लिया है, जिसे शिमला मिर्च बोला जाता है, वो लिया है। वो हमने देखिए ऐसा साइज में कटिंग करके ले लिया है, बड़े बड़े, तो ऐसा ही चाहिए हमें। तो ये हमने छोटे साइज का ऑनियन हमने 3-4 लिया है, जो छोटे छोटे ऑनियन आता है उसी का ही लिया है हमने। तो आप बड़े साइज का ऑनियन लिया है तो उसको 4 भाग कीजिए, तो उसको इतने बड़े बड़े पीसेस कीजिए। तो हमने छोटे ऑनियन लिया है उसको हमने 2 फाली करके ये देखिए ऐसा हमने लिया है, इसी तरह हमें मांगता है, तो ये हमने ले लिया है। और ये हमने कच्चा पक्का ग्रीन चिल्ली लिया है, ये हमने चीरा लगा के ले लिया है। और ये हमने लहसुन लिया है, लहसुन को भी देखिए हमने ऐसा बड़े बड़े स्लाइस करके ले लिया है। और ये हमें अदरक लिया है, ये देखिए अदरक भी हमने इसी तरह काट के ले लिया है। तो ये जो सब मसाला हमने लिया है, तो ये कभी डाला जाएगा, किस तरह डाला जाएगा, आप हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि जो मसाला एक साथ तो डाला नहीं जाएगा, उसका एक टाइमिंग आता है, वो टाइम के ऊपर हम डालेंगे। तो हमारा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा। तो और भी हमें मसाला लगेगा, ये देखिए हम बताते हैं। ये टोमेटो लिया है हमने, ऐसा वाली टोमेटो लिया है, इसे हाइब्रिड टोमेटो बोला जाता है। और जो गांव वाला टोमेटो आता है वो मत लीजिएगा, जो गोल साइज का आता है उसमें क्या होता है बहुत खट्टापन रहता है, वो नहीं चाहिए हमें, यही चाहिए। तो हमने हाइब्रिड टोमेटो लिया है। ये हमने 4 टोमेटो लिया है, 4 टोमेटो को हमने ये देखिए इसका स्किन निकाल दिया है, तो स्किन निकाल के हमने ले लिया है। तो ये हमने 1 टोमेटो को 4 भाग में हमने कटिंग करके ले लिया है। तो ये हम साइड करते हैं। और हमें लगेगा ये मलाई लिया है, आप क्रीम भी ले सकते हो, दही भी ले सकते हो। तो हमने मलाई लिया है, दूध का जो मलाई है वो हमने लिया है। ये लास्ट में लगेगा, हम बताएंगे आपको इसी तरह डाला जाता है, कैसा डाला जाता है वो हम बताएंगे। और हमने लिया है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हमने 1/2 इंच अदरक लिया है और 7-8 कलियां लहसुन लिया है, उसका एक पेस्ट बना लिया है, वो भी एकदम पेस्ट नहीं किया है, थोड़ा सा दरदरा है। और हमें लगेगा ये हरी धनिया, ये हमने खूब सारी हरी धनिया लिया है। ये कौन सा स्टेज में डाला जाएगा वो हम बताएंगे आपको, लास्ट तक हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। और जो लोग नए हो हमारे वीडियो में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा बकबक ना करते हुए हम गैस चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बताएंगे, चिकन तो हम बताया नहीं। तो ये हम चिकन ले लिया है, ये देखिए ये हमने 700 ग्राम चिकन लिया है। और चिकन का जो लेग पीस है ये हमने ऐसा कटिंग करके ले लिया है, क्योंकि इसके अंदर मसाला जाएगा अच्छे से, इसीलिए हम ऐसा लिया है। खाली हमने लेग पीस नहीं लिया है, थोड़ी सी बड़े पीस भी ले लिया है, ऐसा मीडियम वाला पीस ये भी हम ले लिया है। तो चलिए ये सब हम साइड कर देते हैं अभी। तो बनाने से पहले हमें एक मसाला तैयार करना पड़ेगा। ये मसाला में हमने लिया है ये अखा धनिया लिया है, अखा धनिया हमने 1 टेबलस्पून ले लिया है। और ये काली मिरी, ये 10-15 काली मिरी हमने लिया है। और छोटे इलायची ये हमने 4 लिया है। ये अखा सूखी मिर्ची ये हमने 4 लिया है। इसको हम क्या करेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको दरदरा करके हम पीसेंगे, एकदम मीही नहीं पीसेंगे, दरदरा करके पीसेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, अब हम ये ड्राई रोस्ट करके ले लेते हैं ये मसाला पहले। तो कढ़ाई चिकन में ये मसाला मेन है, ये जरूर आप लोग कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ये मसाला जरूर मांगता है हमें, तो ये हमें जरूर बनाना चाहिए। और कढ़ाई चिकन में देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन जाता है, खाली मसाला आप रेडी कर लीजिए बाद, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
तो ये देखिए, ये हमारा तैयार हो गया। एकदम लाल करके नहीं लिया है, थोड़ा सा हल्का रखा है, ऐसा ही मांगता है हमें। तो क्योंकि हम जब मसाला जब चिकन के ऊपर डालेंगे तो उसके साथ भी भुना जाएगा, इसीलिए हम आधा ही मतलब ड्राई रोस्ट किया, पूरी तरह लाल नहीं किया। तो कढ़ाई हमारा गर्म है, अब हम डाल देते हैं ये राई का तेल। तो ये आप देख सकते हो, ये हम राई का तेल में बना रहे हैं। तो आप चाहिए तो आप सादा तेल में, जैसा खाने वाला तेल है उसमें भी बना सकते हो, घी में भी बना सकते हो। तो हम राई का तेल में बना रहे हैं। तो हमने तेल डाल दिया है, तेल को थोड़ा सा गर्म होने दीजिए। तो आप देख सकते हो तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है, और हम कढ़ाई के चारों बाजू अच्छी तरह लगा भी दिए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी धुआं आने लगे, ऐसा ही हमें मांगता है। तो इसी स्टेज में क्या करने का, गैस का फ्लेम एकदम कम कर देने का। और हमने ये साबुत जीरा लिया है आधा टेबल स्पून, ये हम डाल देते हैं। और ये दो तेज पत्ता, ये भी हम डाल देते हैं। और थोड़ी सी लाल करके भूनना है जीरे को, फिर हम ये चिकन का पीस ये हम डाल देते हैं। ये सब डाल के अच्छी तरह भूनना रहता है। तो सारे चिकन हम डाल दिए हैं, चिकन को भूनना रहता है। ये चिकन अभी लाल है, जैसा ही भूनोगे आप ऐसा ही व्हाइट कलर आ जाएगा, तो तभी समझने का चिकन भून के हो गया है। तो उसी स्टेज में हम क्या डालेंगे, आप लोग देखते रहिए आगे आगे, हम बताए तो जाएंगे आपको। तो चिकन को थोड़ा भून लेते हैं पहले। तो आप देखिए, ये हमने ड्राई मसाला पीस के ले लिया है, दरदरा करके पीसा है, देखिए इसी तरह मांगता है हमें। तो ये हम साइड में रख देते हैं, और चिकन हम फ्राई कर रहे हैं। तो देखिए थोड़ी थोड़ी कलर चेंज हो रहा है, और जब भी चिकन आप ऐसा पकाएंगे तभी क्या करना है, हमें गैस का फ्लेम हाई रखना है, तो तभी चिकन अच्छी तरह भुनेगा। तो गैस का फ्लेम मीडियम में नहीं रखना है, हाई पे रखना है, स्टेज में हाई पे रखना है, हाई पे रख के चिकन को ऐसा ही भूनना है। तो देखिए कैसा थोड़ी थोड़ी कलर चेंज हो गया है, और भी थोड़ा सा होएगा। तो हमने चिकन को पहले क्या किया था, अच्छे से धो के नमक और हल्दी लगा के रखते थे। तो लगाने से क्या होता है, अंदर तक नमक जाएगा, इसीलिए हमने लगा के रखे थे। और इसका जो एक रॉ स्मेल वो भी चला जाता है नमक हल्दी लगाने से, उसका जो पानी निकलता है वो फेंक देना रहता है, वो हमने फेंक दिए हैं। देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है, जैसा देखिए आप वाइट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो टोमेटो काट के रखा है चार टोमेटो, ये हम डाल देते हैं। ये डाल के ये भी अच्छी तरह भूनना भी रहेगा, और जैसा टोमेटो गल भी जाएगा, वो भी हाई फ्लेम में करना है, फ्लेम हमें मीडियम नहीं करना है, हाई फ्लेम में करना है। तो आप देखिए ये टमेटो आधा भून के हो गया है, पूरी तरह गला नहीं है, आधा आधा गला है, ये देखिए आप देख सकते हो। तो इसी स्टेज में हमें क्या करना है, ये जो सूखी मसाला हमने ड्राई रोस्ट करके रखे थे ये हम डाल देते हैं। ये डाल के इसी के साथ में, मसाला के साथ, चिकन के साथ, टमेटो के साथ ये भी भुना जाएगा अच्छी तरह, और अच्छी तरह हम मिला देते हैं मसाला को। तो देखिए अभी भी हमने गैस का फ्लेम हाई रखा है, मीडियम नहीं किया है, इसी तरह हमें बनाना रहता है, हाई फ्लेम में ही पकाना रहता है। तो जब भी हमें मीडियम करना है, आपके साथ हम बताऊंगी कभी करना है, वो हम बाद में बताएंगे। तो ड्राई रोस्ट किया हुआ मसाला अच्छी तरह मिला गया है चिकन के साथ में, टोमेटो के साथ में है, मिल गया है। और अभी इस स्टेज में हमें क्या करना है, ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था ये हम डाल देते हैं, ये भी उसी के साथ में अच्छी तरह भुना जाएगा। तो ये हम मिला देते हैं अच्छी तरह चिकन के साथ में, बहुत ही बढ़िया बनता है चिकन कढ़ाई। तो आप लोग घर पे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है।
और बनाने में भी बहुत ही इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी बना सकता है। तो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, वो भी अच्छी तरह भुना गया है। ये देखिए आप, जैसा जैसा चिकन भूनते जा रहा है, टोमेटो भी भूनते जा रहा है और टोमेटो भी पिघलते जा रहा है। देखिए धीरे धीरे पिघलते जा रहा है, ये ऐसा करके धीरे धीरे टोमेटो पूरी तरह पिघल जाएगा। तो इसी स्टेज में हमें क्या करना है, ये जो ड्राई मसाला ये हम पूरे डाल देते हैं। ये है कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, और रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और चिकन मसाला, कोई भी चिकन मसाला आप डालिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये हम पूरे डाल देते हैं, डाल के अच्छी तरह मिलाना है चिकन के साथ, टमाटो के साथ, और अच्छी तरह भूनना है। देखिए ऐसा उलट पलट करके हमें भूनना रहता है। देखिए कलर कितना बढ़िया आ रहा है, धीरे धीरे और भी कलर खिलेगा। आप देखते रहिए हमारा वीडियो, लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चलेगा ये कैसा बनता है चिकन कढ़ाई। तो हमने पूरे ड्राई मसाला तो डाल दिया है, इसी टाइम में हमें क्या करना है, गैस का फ्लेम मीडियम करना है। तो ये अभी ये क्या है, भूनते भी जाएगा धीरे धीरे और पकते भी जाएगा, जैसा चिकन भी सॉफ्ट होएगा। तो हमने धीमा कर दिया गैस का फ्लेम। तो इसी स्टेज में क्या करना है हमें, ये देखिए, तो ऐसा देखना है चिकन पिघला क्या नहीं। तो देखिए ये थोड़ी बाकी है, पिघला नहीं अभी तक, थोड़ी से आधा पिघल के गया है। तो आपको लगेगा जो पानी सूख गया है थोड़ी सी लगेगा, तो वो हिसाब से आप पानी डालिए। तो हमारा भी थोड़ा सा सूखा हुआ है, हम क्या करेंगे, ये आधा कप पानी डालेंगे, पूरा नहीं, आधा कप हम डाल रहे हैं। ये डाल के अच्छी तरह पकाना है, जैसा चिकन भी पक जाएगा और पानी भी उससे समा जाएगा। तो हिसाब से हमने पानी डाला है। तो आगे आगे स्टेप देखते रहिए, और भी हमें डालना है, मसाला डाला नहीं है, ये सब डालेंगे, ये सब डाला नहीं है, ये और थोड़े टाइम के बाद हम डालेंगे। तो हमने नमक नहीं डाला था, तो स्वाद अनुसार हम नमक भी डाल देते हैं। खाली चिकन में हमने नमक लगा के रखा था, लेकिन अभी मसाला विसाला पड़ा है उसमें तो नमक नहीं गया है, तो इसीलिए हम स्वाद अनुसार नमक डाल दिए हैं। डाल के अच्छी तरह मिलाना है, और पकने में ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप थोड़ी सी ढक्कन भी लगा सकते हो। तो देखते हैं, देखिए चिकन नरम हुआ क्या है, नरम हो गया क्या, ये देखिए नरम हो गया है, ये देखिए छोड़ रहा है। तो इसी स्टेज में हमें क्या करना है, ये जो अनियन, कैप्सिकम और गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिल्ली, ये हम एक एक करके डाल देते हैं। तो पहले हम अनियन डाल देते हैं, पूरे अनियन डाल दिए हैं हमने। फिर हमें कैप्सिकम डाल देते हैं, यानी शिमला मिर्च, और ये गार्लिक, ये भी हम डाल देते हैं, और ये जिंजर, ये भी हम डाल देते हैं, और लास्ट में ये ग्रीन चिली, ये भी हम डाल देते हैं। और ये डाल के अच्छी तरह मिलाना है सब चीजों को, तभी तो बनेगा कढ़ाई चिकन। तो ये डाल के और भी हमें 5 मिनट पकाना है अच्छी तरह। तो अच्छी तरह मिलाना है, देखिए ये हमने मिला दिया है, और छोड़ देते हैं पकने के लिए 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के लिए हम ढक्कन भी थोड़ा लगा देते हैं। तो चलिए ढक्कन हटा के देखते हैं, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, और चिकन भी हम देख लेते हैं, ये देखिए चिकन भी सॉफ्ट हो गया है, देखिए ये नरम हो गया है, चिकन भी नरम हो गया है। तो इसी स्टेज में हम क्या करेंगे, ये जो हरे धनिया है ये हम पूरे डाल देते हैं,
और ये डाल के अच्छी तरह मिलाना है। और हमने जो मलाई रखा था ये देखिए, ये मलाई भी हम डाल देते हैं। ये घर का मलाई है, हमने दूध से निकाल के रखा था। ये डाल के अच्छी तरह मिला देना है। ये डालने से इतना बढ़िया टेस्ट आता है। देखिए एकदम तैयार हो गया है। और ढक्कन लगा के हम छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए। ये एकदम तैयार हो गया है, क्योंकि हमने अभी क्रीम डाला तो थोड़ा अच्छी तरह मिल जाए, तो इसीलिए हम ढक दिया है। और गैस का फ्लेम भी हम बंद कर देते हैं और प्लेटिंग करके आपसे मिलते हैं। तो हमारी कढ़ाई चिकन एकदम रेडी है। ये देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है। ये आप नान, रोटी, पराठा या राइस किसी के साथ भी खा सकते हो। बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, आप एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक मांगता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल बटन है वो भी प्रेस कर दीजिए। जब भी मैं नए नए वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी आपको तुरंत मिल जाएगा देखने के लिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको शुक्रिया।